हाय देयर, ये ईसीओ 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 19th लेक्चर है और इसका टाइटल है मार्केट स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूड। इसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर का टॉपिक जो है वो कंटिन्यू है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में किस तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। सो लॉन्ग रन से मुराद होता है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इसमें तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं और फर्म जो है वो इंटर भी हो सकती है इंडस्ट्री के और बाहर भी जा सकती हैं। सो अगर शॉर्ट रन के अंदर फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं तो जो दूसरी फर्म्स होंगी जो इंडस्ट्री से बाहर हैं, मार्केट से बाहर हैं, वो देखेंगी कि फर्म जो है वो इतना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं तो वो भी इंडस्ट्री के अंदर शामिल हो जाएंगी। और जब और ज़्यादा फर्म इंडस्ट्री में शामिल होंगी सो सप्लाई जो है वो प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी और जो प्राइस है वो नीचे गिर जाएगा। तो इससे जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन के अंदर एलिमिनेट हो जाएगा। और इसके मुकाबले में अगर फर्म जो है वो लॉस में चल रही है शॉर्ट रन के अंदर तो कई सारी फर्म जो है वो इंडस्ट्री को लीव कर देंगी, छोड़ देंगी और उससे क्या होगा कि प्रोडक्ट की सप्लाई गिर जाएगी और जब सप्लाई गिर जाएगी तो प्राइस के अंदर इजाफा होगा और नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रिस्टोर्ड हो जाएगी। यानी कि फर्म जो है वो लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी। सो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर सकती हैं लॉन्ग रन के अंदर, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकती। सो नाउ द एलोकेटिव एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी से मुराद होता है एक ऐसा आउटपुट लेवल जहां पर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बराबर होती है प्राइस के, और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी से मुराद होता है फर्म जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस्ड फर्म का जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है वो एवरेज कॉस्ट के ऊपर होता है एसी। और उसके बाद है फिर मोनोपोली। मोनोपोली क्या है? मोनोपोली का सिंपल मतलब ये कि वन प्रोड्यूसर इन द मार्केट, सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर होता है मार्केट के अंदर। किसी दौर के अंदर टीवी चैनल्स के अंदर हमारे कंट्री के अंदर पीटीवी की मोनोपोली थी और आज के दौर के अंदर कई सारे ऐसे इदारे हैं उनकी मोनोपोली है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली कराची में, इसके अलावा नादरा की मोनोपोली है और इसी तरह और कई सारे इदारे हैं उनकी मोनोपोली है। और जब मोनोपोली होती है तो फिर मोनोपोली पावर भी होती है और उसी का फर्म जो है फिर नाजायज फायदा भी उठाती हैं। सो मोनोपोली पावर से मुराद होता है कि फर्म की एबिलिटी प्राइस को कंट्रोल करने की, वो प्राइस कंट्रोल कर सकती है, अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज कर सकती है और आउटपुट को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, जो आउटपुट है जो प्रोडक्शन है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की जो शॉर्टेज वगैरह होती है वो इस वजह से भी होती है कि आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। सो ये वजूहात होती हैं। सो जाहिर बात है मोनोपोली पावर होती है जब फर्म की, तो अपनी मर्जी से वो चार्ज कर सकती है प्राइस और फिर आउटपुट जो है उसको भी वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, लिमिट कर सकती है, उसको एक लिमिट लगा सकती है कि इससे ज्यादा हम आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर मोनोपोली। मोनोपोली में किस तरीके से प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होता है? सो प्रॉफिट मैक्सिमाइज जो है वो मोनोपोली में वहाँ होगा, ऐसी क्वांटिटी के ऊपर होगा जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। सो वहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। सो किस तरीके से एक मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो रिटेन कर सकती है मोनोपोली को? सो कई सारे रीजन है, नेचुरल रीजंस या एक्टिव पॉलिसी की वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा लार्ज इनिशियल कॉस्ट, बहुत ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट जो होती है यानी कि जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उस वक्त बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो, बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए हो, वो भी मोनोपोली का सबक बन सकती है। जैसे कि अगर ऑयल रिफाइनरी की बात की जाए तो ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो जाहिर बात है ऑयल रिफाइनरी हर कोई नहीं लगा सकता, इसी वजह से वो भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी एक मोनोपोली का रीज़न बन जाती है। सिर्फ एक ही फर्म रहती है, दूसरी फर्म एंटर नहीं होती, कोई आने की उसमें कोशिश नहीं करता। और नेचुरल मोनोपोली जो होती है वो एक्सपीरियंस करती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या ब्रांड लॉयलिटी से भी मोनोपोली बरकरार रहती है। इसकी बहुत बड़ी एक एग्जांपल एप्पल की है। एप्पल वाले भी एक तरह की मोनोपोली इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूनिक है। काफ़ी सिमिलैरिटीज हो सकती हैं उसकी एंड्रॉयड के साथ या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ, लेकिन उनका एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बाकी फोन्स के अंदर मौजूद नहीं है। इसी वजह से एप्पल भी एक मोनोपोली इंजॉय कर रहा है क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है और ब्रांड लॉयलिटी भी है। कस्टमर्स जो वो लॉयल हैं, लोग चाहते हैं कि वो एप्पल की ही प्रोडक्ट खरीदें, आईफोन खरीदें या आईपैड खरीदें या आईपॉड खरीदें। और इसके अलावा एक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, इससे भी मोनोपोली के ऊपर फर्क पड़ता है। और जो थ्रेट है टेक ओवर होने का थ्रेट होता है जब फर्म एंटर हो रही होती है, उनको एक थ्रेट होता है कि मोनोपोलिस फर्म उनको टेक ओवर कर लेंगी, तो इस वजह से भी दूसरी फर्म एंटर नहीं होती। और मोनोपोलिस फर्म जो है वो जाहिर बात है कंट्रोल करती है जो
की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी सप्लाई को, उससे भी दूसरी फर्म एंटर नहीं होती, और मोनोपोलिस जो है वो प्रोड्यूस करती है ऐसी प्रोडक्ट जिसको कोई दूसरी कंपनी कॉपी नहीं कर सकती। गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कॉपीराइट की वजह से भी हो सकता है या फिर पेटेंट्स की वजह से भी हो सकता है। इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल हमारे कंट्री के अंदर है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं है कंपनीज को। आज के दौर में इलेक्ट्रिसिटी जाहिर बात है कोई भी कंपनी प्रोड्यूस कर सकती है अगर कोई इन्वेस्ट करे, और जाहिर बात है आज के दौर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना कोई अनोखी चीज़ नहीं है ये। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के अंदर परमिशन नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान में जाहिर बात है कंपनीज को अलाव नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। लेकिन कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे अलाव होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की मोनोपोली नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसी वजह से एक बहुत बड़ी मोनोपोली बनी हुई है क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है मोनोपोली होने का। तो ये था लेसन नंबर 19। आपको अगर इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।